गाइस हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी होली। इट्स मी बुशरा खान। आज है 18th of मार्च। 17-18 का करंट अफेयर करेंगे। ध्यान से सुनिए कंप्लीट वीडियो को। बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स पेंडिंग होते हैं 16 तारीख के वीडियो के। प्लीज़ टाइम पर देख क्या करें आप लोगों की रिक्वेस्ट है मेरी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ध्यान से। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ ज़रूर शेयर कर दें। हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से सुना करें। क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, बेल आइकन को क्यों हिट कर लें? ताकि आपको हर सेशन के डेली अपडेट्स मिल जाएं। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? इसको बोलेंगे नेशनल वैक्सीनेशन डे। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है 16 मार्च को। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 16 मार्च 1995 को 1995 में पोलियो की जो दवा है मतलब वो पिलाई गई थी, पोलियो का पहला टीका लगाया गया था। तो इसीलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। और आप लोग थीम याद रखेंगे, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। क्या थीम है? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने यूक्रेन से अपना दूतावास अस्थाई तौर पर या अस्थाई रूप से कहाँ स्थानांतरित यानी शिफ्ट कर दिया है? तो भारत का जो एम्बेसी है इंडिया का दूतावास कहाँ पर? यूक्रेन में। यूक्रेन और रशिया का लगातार वॉर चल रहा है, आपको बताया मैंने। और यूक्रेन से अपना जो दूतावास है हमारे देश ने वो अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया है पोलैंड में। कहाँ? पोलैंड। तो अभी यूक्रेन में जो दूतावास था भारत का वो पोलैंड में शिफ्ट हो चुका है। पोलैंड की बात कर लेते हैं क्योंकि पोलैंड में शिफ्ट हुआ है। तो पोलैंड की कैपिटल है वारसा, करेंसी है पोलिश जलोटी और एंड्रेज टूडा ये प्रेसिडेंट है। एंड्रेज टूडा तो ये प्रेसिडेंट है पोलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WWE के दिग्गज या फेमस और ज़बरदस्त रेसलर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे स्कॉट हॉल। क्या नाम था? स्कॉट हॉल। ये जो है WWE के दिग्गज रेसलर थे और इनका भी निधन हो गया। अच्छा, हाँ मैं एक बात बताना भूल गई, मुझे एमबीसी की बात की। परसों मैंने आपको बताया था पीके महापात्रा कह दिया था, महापात्रा नहीं, वो गलती से कह दिया, वो दूसरे हैं महापात्रा हैं एक एम्बेसडर जिनके बारे में बताती रहती हूँ। ये जो थे ये पीके रावत हैं, बहुत पुराने ये एम्बेसडर थे चाइना में, लेकिन अब इनको वो चाइना कह रही हूँ, बहुत पुराने ये एम्बेसडर थे, अब इनको पीके रावत को। तो कहाँ बताया है मैंने? जो प्रदीप कुमार आपको बताया है, प्रदीप कुमार रावत, वो कहाँ बन गए एम्बेसडर और कहाँ थे पूरी न्यूज़ बताई है मैंने। वो बस महापात्रा की जगह रावत है, उसको रावत कर लीजिएगा। परसों के न्यूज़ में है, मैंने परसों के सेशन में बताया यानी 16 के। तो जहाँ महापात्रा बोला है वहाँ रावत, एज इट इज़ न्यूज़ सेम रहेगी। ठीक है। तो स्कॉट हॉल ये बहुत फेमस रेसलर थे WWE के और इनका भी निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिलायंस इंडिया रिटेल्स ने किसकी रीब्रांडिंग की है? हाल ही में रिलायंस इंडिया रिटेल्स ने अभी किसकी रीब्रांडिंग की है? तो बिग बाज़ार। जी हाँ, आपने देखा होगा जहाँ भी बिग बाज़ार के बड़े बड़े स्टोर्स थे, अब वो बिग बाज़ार ना होकर क्या रहेंगे? स्मार्ट बाज़ार। अब जितने भी स्टोर हैं, मॉल्स हैं बिग बाज़ार के, वो सब जगह लिखा होगा स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि रीब्रांडिंग कर दी है रिलायंस रिटेल्स इंडिया ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए UV का प्रोग्राम किसने शुरू किया है? हाल ही में स्कूली स्टूडेंट्स
स्कूली छात्रों के लिए युविका प्रोग्राम किस लिए शुरू किया है? युविका प्रोग्राम, युविका तो इसका मतलब क्या होता है, युवा विज्ञान कार्यक्रम, क्या होता है, युवा विज्ञान कार्यक्रम, युविका। और ये शुरू किया स्कूली छात्रों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए किसने, इसरो ने। इसरो अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो हेड है यानी चेयरपर्सन है अभी वो हैं एस सोमनाथ, पहले के सिवान साहब थे, बहुत दिन से बता रही थी आपको, डॉक्टर के सिवान थे लेकिन अब एस सोमनाथ हैं। और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और 1969 में स्थापना हुई है, 1969 में इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट, एक मिनट, हाँ, देश का पहला एआई इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? अपने देश भारत का पहला एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक। बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर है, थावरचंद गहलोत गवर्नर है। कर्नाटक के सभी फैक्ट्स बताए हैं 16th के वीडियो में भी, और बाकी बताती रहती हूँ, जब भी कर्नाटक के क्वेश्चंस आते हैं आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भगवान मान अभी किस नंबर के पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं? भगवान मान ये नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के, और ये हैं 18th नंबर के चीफ मिनिस्टर, 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। इनसे पहले भी चरणजीत सिंह चन्नी, और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनसे पहले चरणजीत से पहले, और अभी कौन है, भगवान मान, ये 18वें नंबर के थे। चंडीगढ़ कैपिटल है, भगवान मान तो चीफ मिनिस्टर ही हुए, और बनवारी लाल पुरोहित जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे अब पंजाब के गवर्नर हैं। चंडीगढ़ हरियाणा पर, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर से संवाद का कौन सा चरण, और अभी किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर्स के साथ संवाद का कौन सा चरण शुरू किया है? तो ये है डायलॉग 3, यानी ट्रांसजेंडर्स के साथ डायलॉग 3 यानी संवाद का तीसरा चरण अभी शुरू किया है किस मंत्रालय ने? ग्रामीण मंत्रालय ने। अभी हमारे केंद्रीय ग्रामीण मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह, यही ट्रांसजेंडर्स के साथ संवाद का तीसरा दौर शुरू कर चुके हैं, ठीक है, याद रखना। और ट्रांसजेंडर्स से मुझे एक बात याद आई कि याद रखना, कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है, ट्रांसजेंडर्स इनको आरक्षण देगी कर्नाटक हाई कोर्ट, और केरल में एनसीसी में एडमिशन्स के लिए भी रिजर्वेशन दे दिया गया है ट्रांसजेंडर्स को। तो ये दो फैक्ट्स भी आप याद रख के चलो, क्वेश्चन लिया है तो इसलिए पहले भी ये सब बताती रही हूँ, अभी फिर बताया है मैंने आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात दर सबसे कम दर्ज किया गया है, यानी मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट MMR, मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु अनुपात दर किस राज्य में सबसे कम दर्ज किया गया है? जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है केरल में, यानी इसका मतलब ये होता है कि 100,000 महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो उसमें कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR, तो MMR जो है वो 130,000 है केरल के अंदर, यानी 100,000 महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो बच्चों की बर्थ के समय 30 महिलाएं 100,000 में वो उनकी डेथ हो जाती है, तो 100,000 में 30 तो सबसे कम है ये केरल में। केरल में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर
ये खुला है। कोझिकोड में पहला भारत का मसाला अनुसंधान केंद्र खुला है, और पहला जो रोबोटिक्स सेंटर है वो खुला है ना, ये भी खुला है। और जो केरल का जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन, उसने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है, ये भी आप याद रखो, ठीक है। और जो कुबलांगी यहाँ का एक गांव है, उसको सैनिटरी नैपकिन फ्री घोषित किया गया है, ये भी याद रखो। और जो पहला मतलब साइंटिफिक एटलस है इंडिया का, वो किसको मिला है, वो केरल को मिला है, ये भी याद रखो, ठीक। और यहाँ पर जो है यहाँ पर परिवर्तनम योजना चल रही मछुआरों के लिए, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने वन स्कूल बनाई है, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए योजना शुरू की, वन स्कूल बनाई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अनाईमुडी शोला, अरबिकुलम शोला, पमड़म शोला, मध्य केकटक शोला, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, सब केरल में है। जितनों में शोला आता है याद रखिएगा, सब केरल में है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और मकर विलक्कू के साथ यहाँ पर थैयम त्रिशुवपुरम ये त्यौहार मनाए जाते हैं। बिसु नववर्ष उत्सव है, न्यू ईयर फेस्टिवल। और दूसरा कौन सा है, एक मनाया जाता है शबरीमाला मंदिर उत्सव, ये दो भी उत्सव ये फेमस वाले हैं, इनको याद रखिएगा। और भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ, ठीक है। कैपिटल क्या है केरल की, तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वैसे यहाँ पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, गरीबों को इंटरनेट के लिए के फ़ोन प्रोजेक्ट, तिरंगा पहल, रैपिड टेस्टिंग के लिए, कोविड पेशेंट्स को सर्विसेज देने के लिए कर्मी बोट रोबोट, ये सब भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कुटुंब होटल, तो खैर ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे ने कहाँ पर, अभी फिडे एक चेस का ऑर्गेनाइजेशन है हाल ही में, फिडे ने कहाँ चेस ओलंपियाड चैम्पियनशिप की, या फिडे कहाँ पर चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा, तो चेन्नई में अभी चेस ओलंपियाड चैम्पियनशिप होगी, इसकी मेज़बानी मतलब फिडे कहाँ करवाएगा, तो चेन्नई में, इसकी होस्टिंग कौन करेगा, चेन्नई में इसका आयोजन स्थल है, ये याद रखना है आपको। और फिडे जो है वो चेस का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश के अंदर। वैसे केरल में ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर ये भी खुला है, ये भारत का पहला, वो जो रोबोटिक्स सेंटर बता रही थी वो नहीं, बल्कि ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है SDG इंडेक्स में नंबर 1 भी रहा है केरल, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट में नंबर 1 भी रहा है केरल, तो ये भी आप याद रखना। और एक और फैक्ट याद रखो, केरल का विश्व बधिर 2023 चैम्पियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की जाएगी, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी बाफ्टा, परसों मैंने 16 के में भी बताया था, बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को टॉप फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को टॉप फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह है पावर ऑफ द डॉग। एक बाफ्टा अवार्ड्स है, यानी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, एक मिनट, बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड्स में टॉप फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड दिया गया है, तो पावर ऑफ द डॉग। और बाफ्टा अवार्ड के बारे में ही बताया था कि ये इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है वो किसको मिला है, तो वो मैंने सही नाम कर देती हूँ यहाँ,
विल स्मिथ, कौन है विल स्मिथ, विल्सन नहीं विल स्मिथ है, कौन है विल स्मिथ। और टॉप फिल्म कौन सी है, पावर ऑफ द डॉग, दोनों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम का पहले ही नाम गुड़गांव था, अभी गुरुग्राम है नाम, पता ही होगा आपको, बताती रहती हूँ। और हरियाणा गुरुग्राम में ही वर्ल्ड पीस सेंटर को शुरू किया जा रहा है, यानी खोला जा रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बिम्सटेक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा या आयोजन करेगा, कौन सा, मतलब मेज़बानी होगी तो आयोजन वही होगा, आयोजन स्थल वही हो जाएगा, तो कौन सा देश बिम्सटेक, बिम्सटेक यानी जो वे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी देश हैं ना, उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है बिम्सटेक। क्या है बिम्सटेक, तो वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, क्या है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल, क्या हुआ वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो बिम्सटेक कॉन्फ्रेंस की या समिट की मेज़बानी करेगा, होस्टिंग करेगा श्रीलंका, कौन श्रीलंका, कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की, एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। महिंद्र राजपक्षे प्रेसिडेंट, गोटाबे राजपक्षे जो है वो प्रेसिडेंट है। और आपको बताया था मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, वो अभी इंडिया आएंगे और दवाओं और भोजन की, ज़रूरी दवाओं और भोजन की जो आयात के लिए क्रेडिट लाइन के साथ $1 मिलियन की क्रेडिट लाइन के साथ, क्रेडिट लाइन पर मतलब $1 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर इंडिया के साथ हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। ये भी बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताया है, सब याद रखेंगे। अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग क्या है, तो डिवाइडिंग है पाक स्टेट, PLK पाक स्टेट, पाक जलडमरू मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया, ये कौन थी, सुश्री कुमुदबेन जोशी, नाम सुन के लग रहा होगा कि ये गुजराती हैं, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। जी हाँ, 1990 से 1995 नहीं हाँ एक मिनट 1985 से 1990 1985 to 1990 ये जो है गवर्नर रही थी आंध्र प्रदेश की, सुश्री कुमुदबेन जोशी। तो ये पूर्व राज्यपाल फार्मर गवर्नर हुई आंध्र प्रदेश की, और इनकी भी डेथ हो गई। बात कर लें जो आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर वन पे है, जबकि वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर वन पर वेस्ट बंगाल है। आंध्र प्रदेश की बात करें, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा यहाँ नेशनल पार्क हैं, और कोलेरू और पोलेकट दो झीलें हैं। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे देश में, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जगन्ना विद्या दीवेना योजना, और जितनी जगन्ना से शुरू होने वाली योजना है वो सब आंध्र प्रदेश में चल रही हैं। नवरनालू पेद लांद्र की प्रोग्राम, ये भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। और यहाँ पर मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशंस शुरू किए गए स्लम एरियाज़ में हैंड वॉश करने के लिए बार बार, ये भी याद रखना। यहाँ पर कोविड फार्मा और निगाह दो ऐप हैं, दोनों के बारे में याद रखो कि आंध्र प्रदेश की हैं, अमरावती कैपिटल है, और यहाँ अमरावती के साथ साथ विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर, जगन मोहन रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ आंध्र प्रदेश के बारे में, बहुत कुछ है, मगर फ़िलहाल यही फैक्ट्स याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और भी हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही याद रखिए और रिवाइज करते रहा कीजिए जो मैं बताती हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी CII कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की वेस्ट कमान यानी पश्चिमी कमान के नए प्रमुख या चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो CII की वेस्टर्न कमान के जो प्रमुख बने हैं, चीफ बने हैं, वो बने हैं सुनील
चौधरिया, सुनील चौधरिया। तो सुनील चौधरिया बने हैं अभी पश्चिमी कमान, किसकी? CII की पश्चिमी कमान के प्रमुख। कौन? सुनील चौधरिया। अच्छा, अजय भूषण पांडे किसके बने हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और देवाशीष पांडे किसके बने? तो ये IR, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ठीक है, बहुत सारी मैंने आप प्रेसिडेंट बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सबको रिवाइज कर डालिए। सुनील चौधरिया का नाम भी याद रखिएगा, ये CII की वेस्ट कमान के प्रमुख बने हैं। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में TV वैक्सीन यानी TV के टीके के लिए भारत की बायोटेक कंपनी ने किस देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ साझेदारी की है? हाल ही में बायोटेक कंपनी ने टीवी के टीके के लिए अपने देश में टीवी की वैक्सीन डेवलप की जा रही है, तो टीवी के टीके के विकास के लिए टीवी वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ समझौता किया है? तो अपने देश की कंपनी है बायोटेक, और इसी ने टीबी टीके के डेवलपमेंट के लिए अभी बायोफैब्री नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या नाम है? बायोफैब्री नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है स्पेन की, इसी के साथ समझौता किया है। अब इसके साथ समझौता किया है तो मैड्रिड इसकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है, पेट्रो सांचेज ये प्रेसिडेंट है। कौन है? किसके? स्पेन की बात कर रही हूँ, तो पेट्रो सांचेज जो है प्रेसिडेंट, यूरो करेंसी, मैड्रिड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ पांचवा देश कौन सा बना है जो 5 टॉप क्लब्स में दाखिल होने वाला दुनिया का पांचवा बाजारी पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंट्री कौन बना है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दुनिया का पांचवा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंट्री यानी बाजारी पूंजीकरण वाला देश कौन सा बना है? तो अपना देश भारत। दुनिया के जो 5 बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंट्रीज है उसमें 5वें नंबर पे पहुंच गया है अपना देश भारत, जो टॉप क्लब्स में जो है दाखिल हुआ है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर है। अपने देश भारत की जो बाजारी पूंजीकरण यानी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.21 ट्रिलियन $ है। नंबर 1 पर USA है, जिसकी सबसे ज़्यादा यानी टॉप या नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन है 47.32 ट्रिलियन $। दूसरे नंबर पर दूसरा देश जो है यानी वो है चाइना, और तीसरा है जापान, चौथा है हांगकांग। तो अमेरिका, चाइना, जापान, हांगकांग चौथे नंबर पर, पांचवे पे अपने देश भारत। ये 5 लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंट्री हैं दुनिया के अंदर, जो अपना देश भारत पांचवे पे बन गया है। तो ये टॉप क्लब्स में दाखिल होने वाला मार्केट, सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर पहुंचने वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंट्री है, मतलब टॉप 5 में पहुंचने वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में का जो कंट्री है वो अपना देश भारत है। टॉप 5 क्लब्स में दाखिल हुआ है, तो यानी इसी का मतलब ये है कि 5वें नंबर पर ही आ गया है। ठीक है, तो ये 5 याद रखिएगा, अमेरिका, चाइना, जापान, हांगकांग और इंडिया। ठीक दोस्तों, बस आज करते हैं यही बस, और 18th में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, कल कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, बी हैप्पी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।